तो पटियाला से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर बेरोजगार अध्यापकों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। बड़ी जानकारी, शिक्षकों ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि बेरोजगार अध्यापक जो थे वो धरना दे रहे थे, साथ ही सीएम के निवास स्थान के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद शिक्षकों ने कहा कि जब तक नौकरी नहीं तब तक यहां से नहीं हटेंगे, ये उनका नारा था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज करके उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि लगातार उनका ये धरना चल रहा था शांतिपूर्वक, जिसके बाद शिक्षकों ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया, साथ ही पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर लाठी चार्ज किया है। तो आपको बता दें कि सीएम के निवास स्थान के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षक, जिसके बाद शिक्षकों ने कहा कि जब तक नौकरी नहीं तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे, जिसके बाद पुलिस ने उनको हटाने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग किया। यह बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें पटियाला में जो बेरोजगार अध्यापक थे वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, जिसके बाद शिक्षकों ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया है, और तो वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया है। तो सीएम के निवास स्थान के बाहर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षक, शिक्षकों का ये नारा था कि जब तक नौकरी नहीं तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे, और उनका शांतिपूर्वक प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पर लाठीचार्ज किया और उनको वहां से खदेड़ दिया। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।